हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर। तो जो एक्स डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, और जो वाई डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट होगा, हमें वो निकालना है बेसिकली। ये तो हो गया इसका x कंपोनेंट और ये हो गया इसका y कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, क्लियर। तो हम इसको नाम दे देते हैं, क्लियर। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये आपका o से लेके a वेक्टर है, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ cos थीटा क्या होगा, यहां पर इस ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ob, और OB को हमने क्या कहा, AX, ठीक है। तो आ गया AX अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी A वेक्टर, ठीक है। तो AX इक्वल टू ये क्या आ गया आपके पास, A cos थीटा, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका X कंपोनेंट, क्लियर। और ऐसे ही sin थीटा निकालो आप, sin थीटा क्या आएगा आपका, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ये इसके बराबर है OC, OC अपॉन OA, OC अपॉन OA, OA यानी A, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, OC क्या था आपके पास, OC क्या था, Y कंपोनेंट। तो ये आ गया Y कंपोनेंट, AY इक्वल टू A sin थीटा, क्लियर। तो ये आपके पास दो कंपोनेंट आ गए, A cos थीटा एंड A sin थीटा, क्लियर। हम बेसिकली कंपोनेंट्स को किसी भी डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक्सिस का कंसेप्ट नहीं है, क्लियर। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा आपको, क्लियर। मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, और हम इसको एक बार एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और आपके पास एफ फोर्स लग रहा है और इसमें थीटा आपको यहां पर दिया हुआ है, मान लो एफ आई 50 न्यूटन। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ एक्स, और ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ वाई, वाई डायरेक्शन का, क्लियर। तो जहां पर थीटा बनेगा वहां पे आपने कोस साइन कंपोनेंट लेना, यानी एफ वाई इसके बराबर होगा एफ कोस थीटा, क्योंकि इस पर बेस ये बनेगा, पहले बेस ये था ना, तो अब ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, क्लियर। तो जहां पर एंगल बनेगा वहां पे कोसाइन कंपोनेंट लेना, और उसके जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, आपका साइन कंपोनेंट होगा, क्लियर। तो दीज आर योर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, मान लो एक पर्सन है, वो जो इस तरह से चला 10 मीटर, ठीक है, कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर, या फिर हम मान लेते हैं 30 डिग्री के एंगल पर वो चला, ठीक है, ये आपकी होगी एक्स डायरेक्शन, ये वाई, मान लो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन, क्लियर। तो मैंने निकाले कि एक्स एक्सिस में कितना चला और वाई में कितना चला, तो आप इसका, इसको मान लो एस मान लेते हैं, एस वेक्टर, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये होगा 10 इंटू कोस 30, ये 10 मीटर है टोटल, एस इक्वल 10 मीटर, ठीक है, और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, एस वाई, ये होगा 10 साइन 30, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 रूट 3 बाय 2, और दैट इज 5, ठीक है, 1/2 होता है, ये आपके पास आएगी 5, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि वो y एक्सिस में कितना चला, 5 मीटर, और x एक्सिस में कितना चला, 5√3 मीटर, क्लियर। सो दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, क्लियर। अब हम जो है इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम इसकी, वॉकिंग ऑफ अ मैन, क्लियर।
वॉकिंग ऑफ मैन, क्लियर। तो वॉकिंग ऑफ मैन में क्या है, मान लो ये ग्राउंड है इस तरह से, ठीक है, और आप जो है वो ये फिट है आपका, क्लियर। तो जब भी आप जैसे मान लो ये ग्राउंड है, लेट अस से दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे जब आप इस तरह से कदम रखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अर्थ को नीचे की तरफ पुश करते हैं ऐसे एंगल पर, क्लियर। यदि आप जो है इस तरह से फोर्स लगाएंगे ऐसे, दिस इज अर्थ, क्लियर, या आपने अर्थ को पुश किया। और आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है 9th क्लास में, उसमें क्या था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने अर्थ को धक्का मारा, अर्थ आपको धक्का मारेगी, इसको बोलेंगे मार रिएक्शन आर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये जो है वो आपने कितने एंगल पर लगाई, थीटा एंगल, क्लियर, थीटा एंगल पे आपने फोर्स लगाया, और थीटा एंगल पे आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। ये आपका वेट हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा कहां एक करता है, डाउनवर्ड, क्लियर। और अब इस आर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जहां पर थीटा होता है वो क्या बनेगा, आर कोस थीटा, और ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आर साइन थीटा वो तो बैलेंस कर रहा है आपके वेट को, ठीक है, आर साइन थीटा बैलेंसिस द वेट, ठीक है, आर साइन थीटा आपके वेट को बैलेंस करेगा, बचा कौन, आर कोस थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आपको आगे की तरफ चलाएगा, क्लियर। तो अगर आर कोस थीटा हेल्प्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर, सो दिस इज योर टॉपिक वॉकिंग ऑफ अ मैन, क्लियर, ओके। बाकी इसकी जो बाकी एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।